हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी न्यू ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, मोबाइल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से अपनी नई ईमेल आईडी को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल को ले लिया है और यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप साइड में देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जो स्मार्टफोन है उसकी जीमेल आईडी में आना है। आप यहाँ पर देख सकते हो जीमेल का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिंपली, और सिंपल जीमेल को ओपन करना है। जीमेल को जैसे ही आप ओपन करते हो तो अगर आपके कोई भी ईमेल आईडी इसमें लॉगिन है तो आप इसको लॉगिन रहने दें, और नई ईमेल आईडी आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं वो पूरा प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ। अगर आपके यहाँ पर ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो आपके सिंपल सा एक क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन सीखने को मिलेगा, तो सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे ऑलरेडी इसमें एक ईमेल आईडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पर एक नई ईमेल आईडी बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक करना है। लोगों के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एड अनोदर अकाउंट का ऑप्शन, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर ईमेल आ चुके हैं, तो आपको सिंपल गूगल पे ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। तो सिंपल आपको गूगल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। गूगल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल और फोन, यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है। अगर आपके पास पहले से ही एक ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं सिंपल, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप नई ईमेल आईडी किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल आपको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फॉर माई सेल्फ और सेकंड ऑप्शन है टू मैनेज माई बिजनेस। तो मैं यहाँ पर फॉर माई सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नेम और सरनेम ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम दे सकते हो, सरनेम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना आप इसको ब्लैंक कर सकते हो, यानी कि आप इसको छोड़ सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया है। सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है वो यहाँ पर सिंपल मांगता है, तो यहाँ पर सिंपल मैं फिलअप कर देता हूँ फटाक से। तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिंपल डाल देनी है। डालने के बाद में यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए जीमेल एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपल यहाँ पर कोई भी आप अपने हिसाब से यूजर नेम यानी कि अपना जो ईमेल आईडी है वो आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ कोई भी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिंपल कुछ भी नेम डाल दिया है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बिना स्पेस के आपको पूरा एड्रेस लिखना है, यानी कि जो भी आप अपना यूजर नेम रखना चाहते हो यानी कि जो भी आप अपनी ईमेल एड्रेस रखना चाहते हो उसको डालना है, और बिना स्पेस के आपको यहाँ पर डालना है। सिंपल आपको डालने के बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मैंने ईमेल एड्रेस डाला था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर सिंपल यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो अवेलेबल जो यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है, यहाँ पर जो भी अवेलेबल है यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल दूसरा और कोई भी यहाँ पर देख सकता हूँ कि कौन सा यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी आप सर्च करके देख सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको क्या कर डालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए विद ए मिक्सचर ऑफ लेटर्स, आपको लेटर्स डालने हैं यानी कि बड़े और छोटे अल्फाबेट में डालने हैं। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े और छोटे यानी कि कोई भी एक बड़ा नंबर दे देना है। सिंपल आपको बड़ा नंबर देने के बाद में कोई भी एक डिजिट का नंबर दे देना है, तो यहाँ पर मैं डिजिट भी दे सकता हूँ, और यहाँ पर कोई भी एक सिंबल आता है ऐट द रेट हैश वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो सिंपल आप देख सकते हो मैंने ये सिंपल दे चुका है। देने के बाद में सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपल यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फोन नंबर एंटर करने के बाद में सिंपल आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक, अगर आपके फ़ोन में वही सिम लगा हुआ है जिसमें आपने नंबर दिया है तो आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, ऑटो फिल हो जाता है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, या फिर आपको अगर दूसरे नंबर दिया है या फिर वहाँ से तो आप उसको वहाँ से आप उसको ओटीपी को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद में सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यस आई एम इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अकाउंट है वो बनकर रेडी हो चुका है।
तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा नेम आ चुका है और जो भी मैंने ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुकी है। तो सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो आपका ईमेल एड्रेस है, जो आपकी जीमेल आईडी है, वो बनकर रेडी हो चुकी है और आपके फ़ोन में भी वो लॉगिन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जीमेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुरानी ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन है। अब सिंपल में जो नई ईमेल आईडी बनाई है वो आपको किस तरीके से यहाँ पर लॉगिन करनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी बनाई थी वो सेकंड नंबर पर आ चुकी है। तो सिंपल मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो अपनी ईमेल आईडी थी वहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो नई ईमेल आईडी पर भी एक मैसेज आ चुका है, ईमेल आ चुका है गूगल कम्युनिटी टीम की तरफ से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस बहुत ही काम की चीज़ है, आप इससे यूट्यूब चैनल बना सकते हो, प्ले स्टोर पर आईडी बना सकते हो, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और ईमेल एड्रेस बहुत ही जगह काम भी आता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया है कि ईमेल एड्रेस को आप किस तरीके से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना। थैंक यू।